पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हिमाचल प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने कसरत शुरू कर दी है। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के 11 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। इन नेताओं से सोनिया गांधी बैठक करेंगी। दिल्ली जाने वाले नेताओं में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुखू, कौल सिंह ठाकुर, विप्लव ठाकुर और कुलदीप कुमार, सांसद प्रतिभा सिंह, विधायक रामलाल ठाकुर, डॉक्टर धनीराम शांडल, आशा कुमारी और हर्षवर्धन चौहान शामिल हैं। आपको बता दें कि उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस में 3 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं। सोनिया गांधी से होने वाली बैठक में इसी पर मंथन होना है। इसके अलावा प्रदेश में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर भी समीक्षा की जानी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई थी। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र और होली की वजह से 3 बार ये बैठक टालनी पड़ी थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। जी ज्योति, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रही है इस पूरे खबर को लेकर? सोनिया गांधी ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। बिल्कुल आयुषी, देखिए 5 राज्य की विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को हार मिली है, उसके बाद पार्टी के अंदर उथल पुथल जो है वो मचती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के बीच कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों को लेकर अब अलर्ट मोड पर आ रही है। चुनावी तैयारियों पर इन दोनों देखिए सूबे के नेताओं के साथ कांग्रेस हाईकमान की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है। और देखिए बैठकों का जो सिलसिला है, इसी में ये इसका साफ संकेत दिखाई दे रहा है कि अलर्ट मोड पे कांग्रेस आ गई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देखिए कल यानी कि सोमवार को गुजरात के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति तैयार करने को लेकर बैठक की थी। और वहीं आज अगर हम बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश के पार्टी के विधायकों के साथ साथ और जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक करने वाली है और बैठक करके तैयारियों की समीक्षा करेंगी। और देखिए वही साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी राज्य में लगातार हो रही हार को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक चल रही है और पार्टी के असंतुष्ट खेमे यानी कि अगर हम ग्रुप 21 की बात करें, उनके नेताओं की बात करें, तो कांग्रेस नेतृत्व को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर भी आघात कर दिया गया है। देखिए आज ये बैठक की बात करें तो आज ये बैठक 12 बजे होनी है सोनिया गांधी के आवास पर, जहां पर गुजरात के सभी माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश के सारे इसमें नेता शामिल होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी ताकि बेहतर से बेहतर अपने प्रदर्शन कांग्रेस चुनाव में कर सके। जी शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी साझा करने के लिए।